हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी नगर 24 चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है वहाय जननेंद्रियां एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसके अंतर्गत हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव में देखा था कुछ टॉपिक अलग से, तो वही टॉपिक है। आइए देखते हैं तो वहाय जननेंद्रियों के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला भाग है आपका मोनस प्यूबिस, फिर दूसरा भाग है आपका लीबिया मेजोरा जिसे वृद्ध भगोष्ठ बोलते हैं, तीसरा भाग है आपका लीबिया माइनोरा लघु भगोष्ठ बोलते हैं, चौथा भाग है आपका क्लाइटोरिस जिसे भग सेफ बोलते हैं, पांचवा भाग है आपका वजाइना योनि जिसे बोलते हैं, छठा भाग है हमारा हाइमन जिसे योनि छिद्र बोलते हैं। तो छह भाग वहाय जननेंद्रियों के अंतर्गत रखे गए हैं और इन्हीं को एक एक करके आपको पढ़ना है। तो देखते हैं पहला भाग क्या है हमारा मोनस प्यूबिस। तो हमने कहा मोनस प्यूबिस जो आप देख रहे हो, ये जो बसीय ऊतक का बना होता है और ये गद्दीदार जो भाग होता है, तो गद्दीदार भाग जो आप देख रहे हो ये गद्दीदार भाग यहाँ पर जो पाया जाता है वो बसीय ऊतक का बना होता है और इस पर हेयर पाए जाते हैं। तो ये हेयर के द्वारा, बालों के द्वारा ढके होता है जिसे हम मोनस प्यूबिस कहते हैं। दूसरा भाग आता है, ये पहला भाग, दूसरा भाग आपका आता है जिसे हम लीबिया मेजोरा कहते हैं। अब लीबिया मेजोरा जो आपका फोल्डेड वाला भाग होता है, यहाँ पर कुछ फोल्ड जैसी संरचना मसल्स पाई जाती हैं, और ये कहाँ स्थित होता है तो आपका मोनस प्यूबिस के नीचे पाया जाता है जो आपका दूसरा भाग कहलाता है। और कहाँ खुलता है तो इसी में एक आपको योनि द्वार के द्वारा ये फोल्डेड भाग है वो घिरे होंगे। अब ये इसके बाद हमने कहा योनि द्वार के द्वारा यूत्रास है जो मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है। तीसरा भाग हमारा आता है इसी में लीबिया मेजोरा, तो ये भी फोल्डेड वाला भाग होता है। जैसे हम बताएं आपको, ये जो आप दो भाग देख रहे हो ऐसे करके, ये तो हमने कहा बाहर वाला भाग आपका जो है वो लीबिया माइनोरा है। लीबिया माइनोरा ये बाहर वाला भाग, और अंदर वाला भाग आपका क्या कहलाएगा, लीबिया मेजोरा। तो लीबिया मेजोरा जो है वो, पहली बात तो ये जो बाहर वाला भाग हमने कहा लघु भगोष्ठ, एक जोड़ी फोल्डेड भाग होता है और कहाँ स्थित है तो आप कहोगे ये वाला भाग आपका क्या कहलाएगा, लीबिया मेजोरा। अब आप कहोगे लीबिया मेजोरा या वृद्ध भगोष्ठ के नीचे स्थित होता है। फिर आता है हमारा चौथा भाग जिसे हम कहते हैं वक्स सेफ, तो हमारा जिसे क्लाइटोरिस। तो हमने कहा क्लाइटोरिस आपको यहीं पर एक उंगली जैसी संरचना दिखेगी और ये मूत्र मार्ग के द्वारा, मूत्र मार्ग जो आपका ये वाला भाग दिख रहा है इसके ऊपर पाई जाती है जिसे हम क्लाइटोरिस कहते हैं। फिर आपका आता है पांचवा भाग योनि वजाइना, ये जो आपका भाग होता है ये वाला भाग, ये आपका लचीले पेशीय ऊतक का बना होता है। इस भाग में एक छिद्र आपको दिखाई दे रहा है, ये छिद्र के द्वारा योनि द्वार से बाहर खुलती है, ये छिद्र के द्वारा योनि द्वार के बाहर खुलती है। तो हमने कहा इसमें आपको जो योनि का भाग दिख रहा है इसी के आगे आपका आता है सिक्स पॉइंट आपका हाइमन, तो हाइमन योनि द्वार जो आपकी खुल रही है पर एक छोटी छिद्रित झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइमन कहते हैं। हाइमन अक्सर प्रथम फर्स्ट मैथुन या अचानक से गिरने या घोड़े पर चढ़ने या साइकिल चलाने, खेल कूद में भाग लेते समय ये लेयर है वो फट जाती है, लेकिन कुछ स्त्रियों में संभोग के बाद भी ये लेयर है वो बनी रहती है जिसे हम हाइमन कहते हैं। इसीलिए हाइमन के होने अथवा ना होने की बात का कोई भी स्त्री के लिए यौन अनुभवों का वास्तविक सूचक नहीं माना जाना चाहिए। तो ये था आपका वहाय जननेंद्रियां, और हमने देख लिया इसके अंतर्गत ऐसे ही हमारा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।